पे हम लोग जहाँ भी सामाजिक इसमें काम कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, कहीं कुछ इशू होता है तो आजकल ऑनलाइन का माध्यम है, ऑनलाइन से कुछ कंप्लेंट डालिए, नहीं होता तो एरिया के नज़दीकी जो समाज सेवक कोई काम कर रहा है छोटा बड़ा, उससे बताइए कि ये सब है, ताकि अपना एरिया चमके और लोगों को ये दिक्कत ना हो। बारिश में इतने हो रहे थे, उसका सब काम करा के लिया हूँ, जहाँ जहाँ दिखा सब जगह से। और 8 नंबर पे जो डेपो के बाजू में बिल्डिंग है, वहाँ पे BMC का कचरा पेटी का गाड़ी बहुत बड़ा और हैवा खड़ा था, हम लोग ने उसको 1 साल का फॉलोअप लेकर उसको कंप्लीट करा, उसको हैवा को वहाँ से हटा कर माड़ा के ग्राउंड में लेके आके खड़ा कराया हुआ। और अभी NCC के सब रोड बन गए हुए, लेकिन वो पट्टा है प्लॉट नंबर 66 से लेके 73 तक का। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। नमस्कार, मैं हिमांगी पवार, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज चैनल से सहयोगी चैनल खबर फेस टू फेस। सोशल मीडिया पे हमने देखा है बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष मंगेश चौधरी, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जेके नेशनल न्यूज और खबर फेस टू फेस का धन्यवाद कि इस विषय में हमसे संपर्क किया, और समस्त देशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लाइट के विषय में आपने मुझे संपर्क किया है, लाइट का ऐसा है ये BMC के अंडर में आता है और अडानी के कॉन्ट्रैक्ट से इसका काम होना चाहिए। BMC का इसका फंड वगैरह सब पास होता है, लेकिन साल में 2 से 3 बार ये बंद पड़ चुकी और मैंने इसको 2 से 3 बार इसको चालू करवाया। 7 नंबर बोलते तो मालवनी का सबसे बड़ा जंक्शन है, हाँ, और इस जगह पर अंधेरा रहता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे खड्डा था और ऊपर से लाइट बनती, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने इसको भी इसका भी काम करवा के लिया पूरा, 2 बार इसका कंप्लेंट डाला और दोनों बार इसका काम हुआ। BMC का इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने दोनों तरह से संपर्क करके इसका काम करवा के लिया। स्थानीय जो नगर सेवक है, इन लोगों को इस सब चीज़ों पर दिखता नहीं है, ध्यान देते नहीं कभी, और कोई अगर अपने सहयोग से कंप्लेंट करके या काम करवाता है तो उस जगह पर सबसे पहला फ़ोटो खिंचाने के लिए चले आते। सवाल मेरा ये है कि जो आपने लाइट चालू करवाया, ये लाइट आपने किधर से चालू करवाया, कैसा संपर्क किया, क्योंकि ये आपने कहा कि BMC के अंडर में आता है, तो आपने कैसे चालू करवा दिया? BMC को कंप्लेंट किया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, और 10 से 15 बार इनको मैंने संपर्क किया और फॉलोअप करके BMC को, अडानी को, दोनों को संपर्क करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि BMC जब हैंड ओवर करती है अडानी को रिपेयर करने के लिए, उसके बाद बहुत खींचातानी होती है, लेकिन हम लोग 10 से 15 बार उसको संपर्क करके। ये बंद क्यों पड़ जाती है, इसके बारे में बताएं। बंद अभी देखो बीच में बरसात हो रही थी, तो उसमें बरसात से शॉर्ट सर्किट होकर बंद हुआ था, फिर अभी बीच में, फिर अभी 1 हफ्ता पहले भी बंद ही था 10 दिन से, तो अभी कल परसों ही चालू हुआ है वापस से। जिन अधिकारियों ने इसको चालू किया था उनसे कुछ बात हुई आपकी? वो रिपेयर करने का गारंटी लेते, भाई हम रिपेयर कर सकते, खराब हो रहा है क्यों, बार बार खराब हो रहा है, उसके बारे में उनको जानकारी बोलते नहीं है। आपने इतना अच्छा काम किया है, जो हमारे आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही बोलूँगा कि रोड पे हम लोग जहाँ भी सामाजिक इसमें काम कर रहे हैं, चलते फिरते हैं, कहीं कुछ इशू होता है तो आजकल ऑनलाइन का माध्यम है, ऑनलाइन से कुछ कंप्लेंट डालिए, नहीं होता तो एरिया के नज़दीकी जो समाज सेवक कोई काम कर रहा है छोटा बड़ा, उससे बताइए कि ये सब है, ताकि अपना एरिया चमके और लोगों को ये दिक्कत ना हो। आप एक युवा हो और वार्ड के अध्यक्ष हो, और जो कि यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई यंग जनरेशन को यही बोलता हूँ कि समाज में अपना घर परिवार तो हम सब देखते हैं, लेकिन समाज के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल कर आए, ताकि हमारा एरिया, हमारा जो भी जगह, उस जगह अच्छा सा सब लाइट है, पानी है, रोड है, आजकल सभी चीज़ का सुविधा है, काम करने का तरीका है, तो अब लोग थोड़ा सा समय निकाले, हर चीज़ को गवर्नमेंट और नेताओं के भरोसे ना छोड़े। आपने अभी तक क्या क्या मतलब काम किया आपके वार्ड में, और क्या क्या काम समस्या अब तक की रही बाकी है? देखो रोड की समस्या है जहाँ तक है, रोड जहाँ पे भी खड्डे बारिश में इतने हो रहे थे, उसका सब काम करा के लिया हूँ, जहाँ जहाँ दिखा सब जगह से। और 8 नंबर पे जो डेपो के बाजू में बिल्डिंग है, वहाँ पे BMC का कचरा पेटी का गाड़ी बहुत बड़ा और हैवा खड़ा था, हम लोग ने उसको 1 साल का फॉलोअप लेकर उसको कंप्लीट करा, उसको हैवा को वहाँ से हटा कर माड़ा के ग्राउंड में लेके आके खड़ा कराया हुआ। और अभी NCC के सब रोड बन गए हुए, लेकिन वो पट्टा है प्लॉट नंबर 66 से लेके 73 तक का, वो रोड बिल्कुल कहीं बनानी है, और वो पट्टे के उसमें 1 रुपये का फंड लगता नहीं है कुछ, बाकायदा वोटर है उसमें से, 2,500 वोटर है, बट वहाँ से 1 रुपये का भी फंड लगता नहीं है, और वहाँ पे ना रोड है, ना बाथरूम है, ना गली गटर का कोई सुविधा है वहाँ पे। अब उसके लिए हम लोग ये 10 दिन में गणपति के बाद जाकर उसके BMC में प्रदर्शन करने वाले। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाला है, यहाँ लाखों रुपया का सरकार का पैसा खर्चा कर करके लाइट बनवा रहे, और सेल्फी पॉइंट बोला जा रहा है उसको, एक सिंगल आदमी भी आज तक एक फ़ोटो नहीं लिया रहेगा उस सेल्फी पॉइंट पे, यहाँ लाखों रुपया लेके सेल्फी पॉइंट बना रहे, और रोड और लोगों की सुविधा को नज़रअंदाज कर रहे नगर सेवक लोग यहाँ के।
जो होना चाहिए। किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, बीएमसी में आप गए, बीएमसी से क्या आपको आश्वासन मिला, और भी बहुत सी समस्या है वार्ड नंबर 48 में, उसके बारे में बताइए। देखो बीएमसी में पहले ऑनलाइन कंप्लेन डाल के उसके बाद उसको ऑफलाइन पेपर वर्क करके और कम से कम 10-10, 15-15 बार जाना पड़ता है ऑफिसरों से मिलने के लिए, क्योंकि ऑफिसर लोग मिलते नहीं है, लेकिन उनका पीछा अगर छोड़ दो तो साल साल भर बंद पड़ा रहेगा कोई भी चीज़। तो फॉलोअप करना हम लोग कंटिन्यू चालू रखते हैं। पार्टी के मेरे कार्यकर्ता लोग हैं जो अपने बीजेपी के, और हम लोग भी अपना जैसे जैसे मलाड जाना आना रहता है उस हिसाब से बीएमसी में फॉलो करते हैं, प्रशासन में उसका काम करा के लेते। धन्यवाद सर। दोस्तों आप देख रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये पूरा मामला था ये पूरा स्ट्रीट लाइट से जुड़ा हुआ था। मैं आप कोशिश करता हूँ कि इस स्ट्रीट लाइट को दिखाइए कि जो भी ये स्ट्रीट लाइट थी और इस स्ट्रीट लाइट को इन्होंने लोगों के लिए चालू करवाया और मेहनत कर करके, और जो ये हमारे सामने अभी आप बात करें यहाँ पे देखें कुछ ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर लोग भाड़े से टैक्सी की सुविधा भी लेते हैं आने जाने के लिए, और उनको कितना अंधेरे में कितना दिक्कत होता था, उन सारी मुसीबतों को उन्होंने दूर करने के लिए इस काम को अंजाम दिया और स्ट्रीट लाइट को चालू करवा के दिया। हमारे साथ में आप जो आप जिनकी आवाज़ को सुन रहे थे, जिससे रूबरू हो रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 48 के अध्यक्ष थे, नाम इनका मंगेश चौधरी जी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।